फारस कैलीग्राफी एंड आर्ट चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मिले हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। आज की वीडियो में हम योम इकबाल पर एक बेहतरीन तकरीर लिखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरिया इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दरिया इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह व शाम पैदा कर। जनाब सदर, आज मुझे जिस मौजू पर लाबिकुशाई करने का मौका मिला है, वो है शायर मशरिक, शायर मिल्लत, मुफक्कर इस्लाम और मुसव्वर पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल। वो इकबाल जिसने पंजाब के सरजमीन शहर सियालकोट में शेख नूर के घर जन्म लिया। जब अल्लाह ताला किसी कौम पर एहसान करता है तो उसे तोहफे में इकबाल जैसी हस्ती देता है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इकबाल जैसी शख्सियत हज़ारों साल बाद पैदा होती है। इकबाल एक सच्चे आशिक रसूल थे और मबल्लग इस्लाम थे और मुफक्कर पाकिस्तान थे। इन सब के साथ साथ इस्लाम के एक सच्चे हमदर्द भी थे।
वो वक्त जब इंसानियत अंधेरों में गुम हो चुकी थी। मुसलमान गुलामी की जंजीरों में जकड़े जा चुके थे, तब अल्लाह ताला को बेबस मुसलमानों की बेबसी पर रहम आ गया। इन मुसलमानों की जिन इंसानों को मदद करने के लिए भेजा, इनमें सरफहरिस्त थे अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए सोई हुई कौम को जगाया, कमज़ोर और बेबस इंसानों को जीने का हौसला दिया। नई उम्मीद जगाई, पाकिस्तान का ख्वाब देखा। और उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए नौजवानों, बच्चों, ख्वातीन को निशान मंजिल देने की कोशिश दी। प्यारे साथियों, ये अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि इकबाल के पैगाम को आम करें और अपने वतन की तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अब मैं अपनी तकरीर की इख्तिताम इस शेर से करना चाहूँगा।
ज़मीर जाग जाता है अगर ज़िंदा हो इकबाल, ज़मीर जाग जाता है अगर ज़िंदा हो इकबाल, कभी गुनाह से पहले कभी गुनाह के बाद। शुक्रिया। चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी लाजमी करें। आपको बताता चलूं कि हम इस चैनल पर कैलीग्राफी भी सिखाते रहते हैं। शुक्रिया।